वेलकम बैक टू स्टॉक्स पाओ यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे और न्यूज भी यहाँ पे चेक करेंगे, फिर चार्ट के ऊपर चार्ट एनालिसिस देखेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में देख सकते हैं कि लास्ट 2 दिनों से एक अच्छी तेजी देखने को मिले, 73.30 पे क्लोजिंग दे चुका है फ्राइडे के दिन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक 1.25 पैसे की तेजी, तकरीबन 1.73% की तेजी देखने को मिली है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में। तो देख सकते हैं, सबसे पहले न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे। तो न्यूज यहाँ पे देखी जाए तो देख सकते हैं, तकरीबन करंटली देखा जाए एवरी स्टॉक इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सम आर गुड बेट्स फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। तो देखा जाए तो कोई खास न्यूज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए। तो रिसेंटली देख सकते हम लोग चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे डायरेक्टली, तो देख सकते हो कि 72 लेवल जो थी इंपॉर्टेंट लेवल थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए, उसी लेवल के करीबन यहाँ पे आप देख सकते काफी दिन रेजिस्टेंस लिया और सपोर्ट भी लिया था। तो ये सबसे पहले देख सकते मंथली चार्ट फ्रेम है, तो मंथली चार्ट फ्रेम में रिसेंटली 72 लेवल को ब्रेकआउट किया है। तो अगला रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे लग सकता है स्टॉक के लिए, तो देख सकते कि 80 लेवल पे अगला रेजिस्टेंस लग सकता है। स्टॉक ऊपर जाता है फिर से तो 80 लेवल पे रेजिस्टेंस लगने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि देख सकते लास्ट टाइम भी 80 लेवल पे काफी समय रेजिस्टेंस लिया था स्टॉक ने, तो वहां पे रेजिस्टेंस लग सकता है। तो ब्लू कलर का लाइन 200 मूविंग एवरेज है वो तो बहुत ही नीचे है, फिर ऑरेंज कलर का 50 मूविंग एवरेज है और ब्लैक कलर का है 20 मूविंग एवरेज। तो डेली चार्ट फ्रेम के ऊपर भी नजर डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक की मूवमेंट करीबन ब्लू कलर के लाइन जो है 200 मूविंग एवरेज है उसी को यहाँ पे रिसेंटली स्टॉक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि देख सकते कि रिसेंटली 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देता है तो ऊपर जाने के जो चांसेस है और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के लिए।